हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं एक अपार्टमेंट में, यहाँ पे अपार्टमेंट देखने के लिए। तो हमारे पुराना वाला जो अपार्टमेंट था उसका लीज़ ख़त्म हो गया है, तो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हम लोग उस घर में रह लिए हैं। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं एक नया घर ले लें, एक नया रेंटेड घर यानी कि शिफ्ट करें। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। Called geese. So many goose means it's geese. Yeah, the Vyansh. The Vyansh is so happy and excited to see the animals. Look at them. So pretty, pretty, pretty. तो ये देखिए गाइस, ये है उसका ये पाथवे। यहाँ पे ये हमने ग्राउंड फ्लोर हम लोग सोच रहे हैं शिफ्ट करने का, तो ये हमने ग्राउंड फ्लोर सोचा है लेने के लिए। तो यहाँ पे ये सब वुडन प्लैंक है, सब वुडन फ्लोरिंग है। और ये इस तरफ यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा रूम है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी अपने शूज़ वगैरह और छोटा सा क्लॉज़ेट है उस सब के लिए। यहाँ पे एक फायर प्लेस भी है, तो ये विंटर्स के टाइम पे फायर प्लेस US में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए, ये बिग सा हॉल है, एकदम ड्राइंग डाइनिंग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में एंटर करते के साथ ही यहाँ पे किचन है। तो यहाँ पे ये किचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा है। मेरा प्रीवियस वाला घर जो है, मतलब जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं, वहाँ पे किचन थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा कंजस्टेड होता है। बहुत ज़्यादा किचन का सामान अगर आप रख लें तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेशियस किचन है, और इसका ये काउंटर टॉप भी ये सब ग्रेनाइट का है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है। तो देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अभी वही हम लोग का चल रहा है। और देखिए, यहाँ पे माइक्रोवेव और ये गैस स्टोव, ओवन वगैरह सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे थी। और स्पेशली ये ग्रेनाइट वाला काम ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे ये देखिए, ये पैंट्री भी बहुत अच्छी सी, किचन पैंट्री भी दी हुई है, एकदम बड़ी सी है। बहुत ज़्यादा किचन का सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे वॉशर ड्रायर का ये एरिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वॉशर ड्रायर इंक्लूडेड था इस रेंटेड अपार्टमेंट में। तो हम लोग यहाँ पे, मतलब कोरोना टाइम्स चल रहे हैं, तो हम लोग ऐसा ही सोच रहे थे जहाँ पर हम लोग को वॉशर ड्रायर इंक्लूडेड मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, छोटा सा पाथवे है, पाथवे के साथ ही यहाँ पे ये है बाथरूम, ये वाला। ये देखिए, इसको बाथरूम को सिंक के साथ सेपरेटेड किया हुआ है। तो ये यहाँ पे ये है टब, बाथ टब, शावर एरिया, और दूसरे साइड पे सिंक और वो एरिया था। और यहाँ पे बाथरूम का डोर अटैच्ड है बेडरूम के साथ। ये देखिए, ये है बेडरूम। बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, उतना ज़्यादा छोटा नहीं है। पहले हमें लग रहा था शायद थोड़ा सा छोटा होगा हम लोग के प्रीवियस वाले घर से, पर उतना ज़्यादा छोटा नहीं है। साथ में यहाँ पे क्लॉज़ेट भी, एक छोटा सा क्लॉज़ेट ऐसे दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और अंदर भी यहाँ पे एक बड़ा सा ये क्लॉज़ेट भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप बहुत सारा सामान अपना रख सकते हैं। ये देखिए, ये क्लॉज़ेट एरिया भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे बेडरूम में फ्लोरिंग में कारपेट है, पर बाकी होल सारे घर पे यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, वुडन फ्लोरिंग है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इसीलिए इसमें वुडन फ्लोरिंग है। हमने इस बार ग्राउंड फ्लोर ही हम लोग सोच रहे हैं शिफ्ट करेंगे। यहाँ देखिए, ये बाहर ऐसे निकलते के साथ ही यहाँ पे आप बाहर पार्किंग व्यू है, वुडेड व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। साथ ही में यहाँ पे बालकनी भी है, बहुत ही अच्छी स्पेशियस बड़ी सी बालकनी है। और वहाँ पे वो स्टोर रूम भी है। तो ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा नेचर व्यू भी रहेगा, वुडेड व्यू रहेगा, आप वुड्स वगैरह वो सब देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये घर, मतलब हम लोग को पसंद ही आया। हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग वही उससे पहले देखने आए थे कि कैसे क्या है, कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हम लोग देख के बताएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं घर पे आ गई हूँ, तो कुछ सोच रही हूँ क्या बनाया जाए। तो हम लोग इंडियन ग्रॉसरी स्टोर गए थे, वहाँ से फ्रेश पालक वगैरह ये सब हम लोग लेकर आए थे। तो मैं सोच रही हूँ आज पालक का पराठा बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने ऑयल में थोड़ा सा क्यूमन सीड्स क्रैकल कर लिया है, और यहाँ पे खूब सारा पालक मैंने वॉश करके ले लिया था। तो पालक को अभी मैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप ब्लांच बोल सकते हैं, पर इसमें मैं कोई भी पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा इसको
मतलब 1 से 2 मिनट आप बोल सकते हैं, उतने के लिए हम लोग पालक को जस्ट थोड़ा सा पका लेंगे और इसको अभी हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर यानी कि आटा लिया था, यहाँ पे जो है मैंने पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था, तो वो पालक के पत्ते वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसी में थोड़ा सा मैं अभी सॉल्ट और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा यहाँ पे टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं अजवाइन ले रही हूँ, तो पराठे वगैरह में मैं अजवाइन बहुत ही मतलब अच्छा होता है, ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठे का। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे के साथ, और अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए, पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा क्योंकि पालक में अपना अंदर से अपना ही अलग पानी होता है, तो इसमें ज़्यादा पानी हम लोग को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा अच्छे से गूंथ गया है, तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें लगा के इसको मैं अभी कवर करके सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं नॉर्मल सी ब्रोकली आलू की भाजी बना रही हूँ, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो उतना ज़्यादा कुछ ऐसे रेसिपी जैसा नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसमें ऑयल ले लीजिए, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स मस्टर्ड सीड्स क्रैकल कर लीजिए, थोड़ा सा अनियन और ब्रोकली आलू को छोटा छोटा काट के यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट टर्मरिक रेड चिली पाउडर देके इसे फ्राई कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुक कर लेंगे कवर करके। तो यहाँ पे देखिए मेरी ब्रोकली आलू भाजी एकदम बन के रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं हम लोग बनाएंगे यमी यमी पालक का पराठा। तो देखिए मैं पराठों को किस तरह से रोल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक लोई ले ली थी, लोई को इस तरह से मैं रोल कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, कुछ भी शेप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे आज सर्कल शेप दे रही हूँ क्योंकि हम लोग इसको अभी खाने वाले हैं, हम लोग की जो भाजी मैंने बनाई है ब्रोकली आलू की भाजी उसके साथ खाएंगे, तो इसलिए मैं इसको सर्कल शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे ही मेरा तवा गर्म हो गया था मैंने पराठा ऐड कर दिया है, दोनों साइड से जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है थोड़ा सा, तो अब उसके ऊपर से ऑयल या घी आपको जो पसंद है आप उसमें ऐड करके इसे थोड़ा सा अच्छे से ऐसे सेक लीजिएगा, तो इसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेक लीजिएगा, तो पराठा बहुत ही अच्छा सिक जाता है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बने थे ये पराठे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, ये बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही यमी बने थे। तो ये देखिए, ये मैं लेके आई थी मदर्स का गार्लिक पिकल इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से, तो ये वाला गार्लिक पिकल मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप में से किस किस को गार्लिक पिकल पसंद है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरा तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ऐसे पराठों के साथ खाली पे भी मैं इसे खा सकती हूँ। Divyansh, yeah. Have your food. Yes. What is this? Pickle and you can say bhaja. Which bhaja? The broccoli aloo bhaji. Yeah. Yes. And this is palak ka paratha. Palak ka paratha. Yeah. Your favorite. Have a bite. Come on. उसके पालक पापला था। यस ओके एंड पिकल यम्मी हैव इट सम भाजी ब्रोकली आलू भाजी दिव्यांश लव्स ब्रोकली या हैव अ बिग बाइट कम ऑन फास्टर माय गुडनेस आई डिड अ बिग बाइट गुडनेस Okay. Tear that one more time. Yeah. Okay. Now have it. Okay. This one. Okay. Have some bhaji also. Is it yummy? Yeah. Yeah, you like it? Yeah. Okay, enjoy your food. Bye-bye. Bye-bye. बाय सो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे खूब सारा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोज़ की मिलती रहें। मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से ब्लॉग में, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।